गुड मॉर्निंग, वेलकम टू साई क्लासेस। फ्रेंड्स, कल हमने कुछ लीगल फ्रेजेस आपको शेयर किए थे, आपको प्रैक्टिस किए होंगे, देखे होंगे और आपको लगता है पसंद भी आए होंगे, क्योंकि विद द स्पीड में हम जब तक फ्रेज नहीं करेंगे तो हम लोग मुश्किल से 80 और 100 का स्पीड ही मुश्किल से पास कर पाएंगे। अगर आप मेरे लीगल फ्रेजेस को करेंगे तो आप किसी भी स्पीड तक आप जा सकते हो, लोकसभा में 140-160 तक जा सकते हैं। अब मैं कुछ लीगल फ्रेजेस पहला जो है आपका फ्रेज है आपका पेटिशनर, दिस वन इज पेटिशनर के लिए सिर्फ ये बनाना है दोस्तों, हल्का सा टिक मार देना, दिस इज पेटिशनर आपने बनाना है। और सेकंड है आपका रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट, रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट। तो दोस्तों, इसके लिए आपने बिल्कुल रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट ऑटोमेटिकली आपने करना, पेटिशनर रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट इज ओके ऑटोमेटिकली। इस तरह से हम लोग फ्रेज वाली आउटलाइन बनाते रहेंगे। और आपका जैसे हमने बनाया है प्लेंटिफ के लिए दोस्तों आपने ये बनाना है, प्लेंटिफ के लिए बार बार आएगा ये वर्ड, और आपने सिर्फ प्लेंटिफ के लिए इतना ही प्लेंट या प्लेंटिफ के लिए इतना ही बनाना है आपने। और दोस्तों, दूसरा है आपका कलीग के लिए आप क्या करेंगे, कलीग के लिए कल को डबल करेंगे, कुलीग जिसे बोलते हो आप जो है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये आउटलाइन बनाएंगे आप जो है ना कलीग के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कलीग, प्लेंटिफ, रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट और पेटिशनर। तो दोस्तों, ये स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस आउटलाइन किसी बुक का शेयर नहीं है, ये सिर्फ मेरी अपनी इजाद है, आउटलाइन है। नेक्स्ट वाले करेंगे आप जो है ना सबसीक्वेंटली अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैंने कुछ बहुत सारे शब्दों को शेयर किया है, अगर आप इनको शेयर करते रहिएगा, दिस इज द सबसीक्वेंटली। नेक्स्ट वर्ड आई एम शेयरिंग यू, आउटलाइन देखिए दोस्तों और आगे बढ़िए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सबसीक्वेंटली के आगे आप करेंगे दोस्तों एग्जीक्यूटेड, टी बना भी सकते हैं नहीं भी, EXECUTED एग्जीक्यूटेड के लिए ये भी बना सकते हैं, एग्जीक्यूटेड के लिए आप ये भी बना सकते हो, दोनों एडजेक्ट हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई भी आप दोनों के लिए आप जो है आउटलाइन दोनों को शेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एग्जीक्यूटेड से आगे आपका बनाना है रेस्टोरेशन के लिए दोस्तों आपने इस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करना है, रेस्टोर और रेस्टोरेशन के लिए आपने ये बनाना है। प्रीवी काउंसिल
प्रीवी काउंसिल, काउंसिल ये बनाइएगा, प्रीवी काउंसिल के लिए दोस्तों आपने ये बनाना है, प्रीवी काउंसिल, दिस इज प्रीवी काउंसिल, दिस इज अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ऑफ द आइटम ऐसे। देन नेक्स्ट बनाना है आपने फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल रूल्स, ऑटोमेटिकली दोस्तों दिस इज फंडामेंटल और रूल्स के लिए आपने इसी में ज्वाइनिंग कर देना है, फंडामेंटल रूल्स बनाना है आपने दोस्तों। इट इज वेल सेटल्ड दैट, इट इज वेल सेटल्ड दैट, इट इज वेल सेटल्ड, इट इज वेल सेटल्ड दैट, ये बनाना है दोस्तों, इट इज वेल सेटल्ड दैट। अब इसके लिए नेक्स्ट वाला पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, लुक इन टू द मैटर पर्सनली, लुक इन टू द मैटर पर्सनली, मैं दोबारा लिखता हूं दोस्तों, लुक इन टू द मैटर पर्सनली, जैसे लुक इन टू द मैटर पर्सनली, दिस इज लुक इन टू द मैटर पर्सनली, दिस इज दोस्त, लुक इन टू द मैटर पर्सनली, ज्वाइनिंग करना है दोस्तों, लुक इन टू द मैटर पर्सनली। नेक्स्ट वाला जो है वर्ड है आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, देखो दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। दोस्तों आप मुझे फॉलो करिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। नेक्स्ट वाला आता है रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ, ये बनाइएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग ये बनाइएगा, स्टेटमेंट ये बनाइएगा, अबाउट द लॉ, अबाउट द लॉ, दिस वन, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ, अबाउट द लॉ, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ। नेक्स्ट वाला वर्ड है दोस्तों पुट फॉरवर्ड, पुट ये बनाएंगे दोस्तों, पुट और फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड के लिए दोस्तों ये आउटलाइन बनानी है आपने। नेक्स्ट बनानी है आपके इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, ये सारी लीगल पुस्तक से हम लोगों ने ये निकाला है दोस्तों, आप इसको फॉलो करते रहिएगा दोस्तों, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट। नेक्स्ट वाला मैं आपको ज्वाइनिंग करने जा रहा हूं ऑलरेडी, यू कैन सी नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको आप इसको प्रैक्टिस में लीजिएगा दोस्तों, नियर अबाउट, इनको जो है ना जितना भी मैक्सिमम आप लिखेंगे उतना ही आपको, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल ये बनाना है दोस्तों, सिविल और प्रोसीजर और कोड, सिविल प्रोसीजर
कोड, सिविल प्रोसीजर कोड की जो दोस्तों आउटलाइन है वो ये हमारी सिविल प्रोसीजर कोड की आउटलाइन है। नेक्स्ट वाला करता है इम्प्यूंग्ड ऑर्डर, इम्प्यूंग्ड ये बनाना है ऑर्डर, इम्प्यूंग्ड ऑर्डर। दिस वन बहुत शॉर्ट में आउटलाइन बनाई है दोस्तों, ऑटोमेटिकली इफ यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कोई भी टेस्ट आपका चाहे कोर्ट का है, ये सभी लीगल वर्ड मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। देन आपका ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन दोस्तों आपने ये बनाना है, ज्यूरिसडिक्शन, दिस वन इज आपका ज्यूरिसडिक्शन। कोई हाथ बिल्कुल भी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए दोस्तों, ज्यूरिसडिक्शन। एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड दिस वन, एट्रीब्यूटेड दिस इज दैट। एट्रीब्यूटेड के लिए आप जो है दोस्तों इसको इस तरह से शेयर करेंगे। नेक्स्ट वाला है आपका फूलिश मैनर, फूलिश मैनर, फूलिश मैनर दिस वन, फूलिश मैनर। नेक्स्ट वाला वर्ड है आपके लिए दोस्तों विद रिगार्ड टू द सेड, विद रिगार्ड टू द सेड एलिगेशन अगेंस्ट हिम, विद रिगार्ड टू द With regard to the said allegation, with regard to the ये बना के और said allegations, with regard to the said with regard to the said allegations, said allegation against him, against or him, with regard to the said allegation, said allegation against him, against him। दोस्तों ये बनाइएगा, देखिएगा कितनी अच्छी है, with regard to the said allegation against him। Automatically joining करिएगा दोस्तों, these are the best phrase for you to improve your speed, automatically you can go near about 160, 140, 160, 180 and above, you can take it very easy। next wala word hai aapka dosto learned judge, learned judge yahi banaiyega dosto, learned judge this one, learned judge this one। नेक्स्ट वाला वर्ड है आपको दोस्तों यही बनाइएगा आउटलाइन जो है ना, दिस इज माई लाइफ एक्सपीरियंस आलो लर्न्ड जज। फेशिया क्योर आई, फेशिया क्योर आई, एफ ए सी आई ई सी यू आर आई ए, स्पेलिंग आप देख लेना दोस्तों यही स्पेलिंग है फेशिया क्योर आई के लिए, आप जो है ना सी यू आर आई ए ई, स्पेलिंग को ध्यान रखना है दोस्तों, फेशिया क्योराई। और आपने बनाना है अपने आपने फेशिया क्योराई, फेशिया क्योराई। डेफर्ड दी मैटर, डेफर्ड, डेफर्ड दी मैटर, डेफर्ड द मैटर, डेफर्ड द मैटर। डेफर्ड के लिए डी एफ ई डबल आर ई डी द मैटर। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस एक्टिंग बनाइए दोस्तों, चीफ जस्टिस
वेरी वेरी बेस्ट आउटलाइन आई एम गिविंग यू. नेक्स्ट वाला है आपका अनकम्प्रीहेंशन. अनकम्प्रीहेंशन अनकम्प्रीहेंशन अनकम्प्रीहेंशन. तो दोस्तों आई विल अप्रिशिएट यू इफ यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली. दिस इज माई एक्सपीरियंस टू यू. इफ देर इज सम लकुना, कोई डाउट हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा. आई विल क्लियर टू यू. और सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर. थैंक यू दोस्तों. टुमारो वी विल सी यू.